सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस ना करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान श्री राम ने फोड़ी थी इंद्र के पुत्र की आँख। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम देवी सीता तथा लक्ष्मण के साथ वनवास व्यतीत करते हुए पंचवटी वन में रह रहे थे। देवलोक में भी देवताओं के बीच भगवान श्री राम के वनवास के संबंध में अधिकतर बातें होती रहती थी। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत इन बातों को सुना करता था। जयंत को इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एक सामान्य मनुष्य के रूप में वनवास के कष्टों को झेल रहे हैं। क्या वे सच में भगवान विष्णु ही हैं या कोई साधारण मनुष्य? ऐसा सोच जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। जयंत को अपने ऊपर अभिमान था कि उसके पास बहुत तेज गति है तथा इस अभिमान का कारण यह था कि जब समुद्र से अमृत निकला जा रहा था तब असुरों से उसकी सुरक्षा के लिए अमृत को जयंत को दे दिया गया था। जब उस अमृत को प्राप्त करने के लिए असुर जयंत के पीछे भागे तो जयंत पवन की तेज गति से उनकी पहुंच से दूर जा निकला। तब से जयंत को यह अभिमान हो गया था कि उसे गति में स्वयं पवनदेव भी नहीं हरा सकते। उसका अभिमान इतना अधिक बढ़ चुका था कि उसने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। जयंत ने कौवे का रूप धारण किया तथा पंचवटी वन में पहुंचकर उस वृक्ष के ऊपर बैठ गया जिसकी छाया में देवी सीता एवं श्री राम जी बैठे हुए थे। जयंत वृक्ष से नीचे उतरा तथा बहुत तेजी से माता सीता के पैरों में प्रहार करता हुआ वापस वृक्ष के ऊपर जा बैठा। प्रहार इतनी तेजी से किया गया था कि माता सीता के पैरों से रक्त बहने लगा। माता सीता के पैरों से बह रहे रक्त को देखकर भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे तथा उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि यह किसने और किस मनसा से किया है। उन्होंने पास ही पड़े एक सरकंडे को उठाया तथा उसे अपने धनुष पर रखकर निशाना साधते हुए उस सरकंडे को आदेश दिया कि दुष्ट को दंड दे। आज्ञा पाते ही वह सरकंडा बाण में परिवर्तित हो गया तथा जयंत की ओर बढ़ने लगा। बाण को अपनी ओर आते देख जयंत देवलोक की ओर भागा। जयंत भागते भागते अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा तथा बाण से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। इंद्रदेव अपने पुत्र जयंत से बोले कि तुम्हारी रक्षा अब मेरे बस की बात नहीं, तुम्हें ब्रह्मदेव की शरण में जाना होगा। जयंत अपने प्राणों की रक्षा के लिए जब ब्रह्मदेव के पास पहुंचा तो उन्होंने भी इसमें असमर्थता दिखाई। जयंत अपनी प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भटकने लगा तथा बाण भी उनके पीछे लगा हुआ था। भागते भागते अंत में जयंत नारद मुनि के पास पहुंचा तथा उनसे बोला, कृपया मुझे इस बाण से बचने का कोई उपाय बताएं। नारद जी बोले, हे जयंत, तुम माता सीता के चरणों में जाओ तथा उनसे क्षमा याचना की प्रार्थना करो, यही एकमात्र उपाय तुम्हारे पास है। उपाय पाते ही जयंत बहुत तेजी से माता सीता के पास अपने वास्तविक रूप में पहुंचा तथा उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। माता सीता ने जयंत को क्षमा कर दिया तथा प्रभु श्री राम से बाण को वापस लेने को कहा। प्रभु श्री राम ने जयंत से कहा कि मैंने बाण को तुम्हें दंड देने का आदेश दिया है, अतः ये बिना दंड दिए वापस नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें अंग भंग का दंड मिलता है। इस प्रकार से बाण ने जयंत की एक आंख फोड़ डाली। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।